कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हमने अपने सभी शुभेच्छुओं को ये कह दिया है कि दल का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है और गठबंधन भी किसी दल से नहीं है। तो आप लोग स्वविवेक से, स्वेच्छा से, जहां चाहें, जिसको चाहें मतदान करें, समर्थन करें, आशीर्वाद दें। लेकिन आपकी मुलाकात विनोद सोनकर, संजीव बालियान से हुई, अमित शाह जी से भी बेंगलुरु में आपकी मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद भी आखिरकार न्यूट्रल रहने का फैसला क्यों? नहीं, हम बताते हैं। देखिए, मुलाकातें तो सब समय, आपने जैसे भाजपा प्रत्याशी का नाम लिया तो मुलाकात करने सपा प्रत्याशी भी आए। आप भी कई पत्रकारों से मिलते हैं तो क्या उनके चैनल में थोड़ी शामिल हो जाते हैं? या हम लोग राजनीति में हैं, अलग अलग दलों के नेता भेंट होती रहती, बात होती रहती है, संबंध सबसे अच्छे हैं। लेकिन जब तक दल का गठबंधन नहीं हुआ है तब तक एक दल का नेता दूसरे दल के मंच पे या कैसे जा सकता है? ये चुनाव से पहले राजा भैया ने कहा था कि इस चुनाव में वह और उनकी पार्टी किसी भी दल को सपोर्ट नहीं करेंगे। इस चुनाव में पार्टी और राजा भैया दोनों न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन तभी पिक्चर में एक नया मोड़ आया। कौशाम्बी प्रत्याशी के लिए कुंडा में जनसभा करने आई अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने सार्वजनिक मंच से राजा भैया को लेकर एक विवादित बयान दे दिया। क्षेत्र में इस बात के पहले ही सुखबुगाहट थी कि राजा भैया इस बार बीजेपी सांसद से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अनुप्रिया के बयान के बाद राजा भैया के समर्थकों ने बीजेपी पर न सिर्फ कौशाम्बी में विरोध किया बल्कि मिर्जापुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद और फूलपुर में भी भरपूर विरोध किया। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि राजा भैया बीजेपी से नाराज हैं और इस चुनाव में वो समाजवादी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। अब राजा भैया और उनके समर्थकों की नाराजगी और विरोध का कौशाम्बी सीट पर कितना असर पड़ेगा, ये तो 4 जून को क्लियर होगा। लेकिन राजनीति के जानकार इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि राजा की नाराजगी का कौशाम्बी और मिर्जापुर में बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। हमको लगता है सिटिंग एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एक जो बयान आई थी अनुप्रिया पटेल ने, खास तौर से जो बयान दिया था राजा और रजवाड़ों को टारगेट किया था, क्या कहना है आपका उस बयान को लेकर? देखिये, रजवाड़े तो 7-8 दशक हुए समाप्त हो गए और 7-8 दशक के लगभग भारत में लोकतंत्र है। अब उनको क्या कुंठा है हम नहीं समझ पाए इस चीज़ को। और वो जो भी उस बयान को सुन रहा है वो ये कह रहा है कि अनावश्यक बयान। और अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था। लोकसभा चुनाव के दौरान सोनकर के वायरल वीडियो से ब्राह्मण समुदाय में खास तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है लेकिन विनोद सोनकर के खिलाफ ब्राह्मण समाज की नाराजगी कम होती नजर नहीं आ रही। अमित शाह की रैली में कुंडा विधायक राजा भैया शामिल नहीं हुए थे। इससे पता चलता है कि ब्राह्मण बनिया ही नहीं, ठाकुर मतदाता भी विनोद सोनकर से नाराज हैं। जातिगत नाराजगी का नुकसान बीजेपी और प्रत्याशी दोनों को उठाना पड़ सकता है। वायरल वीडियो में विनोद सोनकर ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर जातियों पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तीनों जातियां बीजेपी की कोर वोटर मानी जाती हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।